हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जो है जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, टॉप 30 प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, जिससे आप लोगों को जो है आने वाले एग्जाम में इससे 1 या 2 मार्क आप लोग प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा है कि कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक इसमें पूछा है क्या है कि जूल है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है। तो कार्य का जो मात्रक है, ये कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। वाट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रकाश वर्ष, सी है जूल, डी है न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं कि जो दूरी का मात्रक होता है इनमें से चारों ऑप्शन में से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष, ये जो है दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न हमारा है बल की SI यूनिट क्या है, बल का SI मात्रक क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो बल की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो बल का SI मात्रक होता है। बल का एक मात्रक डाइन भी होता है, सीजीएस। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 4 कि चाल की SI इकाई क्या है, चाल का SI मात्रक क्या है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड। तो चाल का जो है जो ये SI इकाई है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है UPPCS 2013 में पूछा गया, इसके पहले वाला SSC 2022 में, इसके बाद UPPCS 1990 में। मतलब ये सारे सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है कि पारसेक इकाई है, पारसेक किस चीज़ की इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक ये भी एक दूरी नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार के दर की व्याख्या करता है। तो फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक या विद्युत नियतांक। तो इसका जो है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, ये हो जाएगा हबल नियतांक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो है SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपको जो है इससे कुछ प्रश्नों को आपको हेल्प हो सके, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है ये जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, सीमेंस, टेस्ला, लक्स, बेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है टेस्ला हो जाएगा, कि भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई है वो है टेस्ला। अगला प्रश्न हमारा कि पास्कल जो है ये किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो पास्कल जो है ये है दाब की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर। अगला प्रश्न हमारा है कैंडला मात्रक है, कैंडला जो है किस चीज़ का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो जो कैंडला है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऊर्जा की SI इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल। तो ऊर्जा की जो SI इकाई है ये है जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
फिर अगला प्रश्न हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला, एम्पियर, कूलाम, ओम। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई है ये हो जाएगा हमारा टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है वो है टेस्ला। अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि हर्टज क्या मापने की यूनिट है, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज से हम लोग जो है क्या मापते हैं, यह ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी जो है तरंगों की आवृत्ति मापते हैं हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विद्युत मात्रक की इकाई क्या है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, लेंस की क्षमता की जो इकाई है एसआई पद्धति में वो डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, कैंडला, एम्पियर, समुद्री मील, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता जो हम लोग मापते हैं ये मापते हैं डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा 17 नंबर का कि विद्युत धारा को स्पेस दिया डैश डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को किस इकाई द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए है वाट, बी है जूल, सी है मीटर और डी है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एसएससी 2022 में जो है पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है, रियूमर स्केल, केल्विन, एम्पियर, कैंडला। तो तापमान की जो इकाई है ये हमारा हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, वाट घंटा, वाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा या किलोवाट प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा ये हो जाएगा हमारा विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेग का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, जूल है या किलोग्राम मीटर है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग का जो एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों मापने का मात्रक है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतर मापने का मात्रक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए इसमें सही है हमारा, प्रकाश वर्ष जो है अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर या किलो ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें पूछा है नहीं है ऊर्जा का मात्रक इसमें कौन सा नहीं है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है,
और फिर है वाट घंटा भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कि दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, एम्पियर, कैंडला, मोल, केल्विन। तो दीप्त तीव्रता जो मापी जाती है ये कैंडला में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीप्त या कहीं ज्योत लिखा होता है तीव्रता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है, जूल, वाट, टार, न्यूटन। ये भी एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये टार जो है हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है, ऊष्मागतिकी की इकाई क्या है, फारेनहाइट, सेल्सियस, रेडियन, केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ऊष्मागतिकी की जो इकाई वो है केल्विन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कार्य की इकाई क्या है या किए गए कार्य की इकाई क्या है, डेसिबल, जूल, एम्पियर, वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, मतलब त्वरण किससे ज्ञात करते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, या ए बराबर म्यू प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू अपान टी, या ए बराबर वी प्लस यू बटे दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ए बराबर वी माइनस यू बटे टी हो जाएगा। सारे सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगला प्रश्न हमारा ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है कि सूची एक में जो दिया गया उसको सूची दो से मिलाना है, तो उच्च वेग जो है इसका मात्रक होता है मैक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब पहले भी जाएगा। दूसरा तरंग दैर्घ्य जो है ये एंगस्ट्रॉम का मात्रक है, दाब का मात्रक जो है ये पास्कल है, और ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, धन्यवाद।